नागालैंड के 59 सीटों पर और मेघालय के 59 विधानसभा मतदान संपन्न हो गया। मेघालय में 74.32% मतदान हुआ है, वहीं नागालैंड में 82.42% वोटिंग हुई है। वहीं मतदान के दौरान नागालैंड के कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा की खबरें सामने आई है। अब सबको 2 मार्च का इंतजार है, जब त्रिपुरा के साथ इन दोनों राज्यों के भी नतीजे आएंगे। आज मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने वोट डाले। 2 मार्च को मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। मेघालय और नागालैंड में 59-59 सीटों पर मतदान हुआ। दरअसल नागालैंड में 60 विधानसभा सीट है, लेकिन अकुलुतु सीट से बीजेपी उम्मीदवार कजेतो किनिमी निर्विरोध चुने गए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक मेघालय में 74.32% और नागालैंड में 82.42% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। मेघालय की बात करें तो राज्य में कुल 12 जिले हैं। इन जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए 3,419 बूथ बनाए गए। राज्य में वोटरों की संख्या आंकड़ों के मुताबिक 30 लाख है। वहीं सीटों को लेकर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस ने 60 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा, जबकि बीजेपी की पूर्व सहयोगी रह चुकी एनपीपी 3 सीटों को छोड़कर 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सभी पार्टियों को मिलाकर कुल 375 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इनमें से 36 महिला प्रत्याशी जबकि 339 पुरुष प्रत्याशी हैं। बीते 5 साल की बात करें तो फिलहाल मौजूदा समय में राज्य की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है, जिसके बाद देखने को मिला कि हर पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बीता गठबंधन में शामिल रही बीजेपी ने भी एनपीपी से नाता तोड़ लिया है। मेघालय में साल 2018 में हुए विधानसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा 21 सीटें मिली थी। बीते विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट और पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। मौजूदा सीएम कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बाकी पार्टियों की बात करें तो बीजेपी और एचएसपीडीपी को 2-2 सीट, जबकि यूडीपी और पीडीएफ को 4 सीटों पर जीत मिली थी। I am a voter from this polling station and I am here to exercise my right to cast vote for the candidate which I won to be elected from the from our constituency. इधर में है रहने वाला, तो इधर में मेरा वोट है, तो वोट देंगे अभी लाइन में। अच्छा है। हाँ, इस बार जो इलेक्शन है बहुत सब सातपुरा में तो स्पेशली बहुत उत्सुक है, सभी वोट डालेगा। वहलैंड विधानसभा चुनाव में इस बार 183 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यहां 13,09,651 वोटर्स और मेघालय में 21,61,129 वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं नागालैंड में कुल 13,90,000 वोटर्स में से 6,56,035 महिलाएं हैं, जबकि 6,56,616 पुरुष वोटर्स हैं। In a democracy, the polling day has also been called the festival of democracy. So, for this day, all of us have been interacting with our journalist friends also over several weeks now, and you have been with us through this day also. I know one of the most important things in your mind, though it is available in the public domain, but I'll still share that with you. This is still a very tentative figure, the voter turnout, 83.36%. यहां 2,315 पोलिंग स्टेशन बनाए गए और इस सेंट्रल फोर्स की 50 कंपनियां तैनात हैं। नागालैंड में मतदान को लेकर म्यांमार बॉर्डर को सील कर दिया गया। नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के उमाके में अलोगता की पोलिंग बूथ पर वोटिंग के दौरान पथराव हुआ, हिंसा के चलते वोटिंग रोक दी गई। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके इलाके में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि इस बार भी बीजेपी एनडीपीपी के गठबंधन की सरकार बनेगी। 2 मार्च को त्रिपुरा के साथ मेघालय और नागालैंड के चुनाव नतीजे भी आएंगे। अब सबको इस बात का इंतजार है कि इन राज्यों में होली आखिर किन की मनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज़।